अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या आती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली हमारे पास क्या आती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मकासद प्रोग्राम को हम कहते हैं। ठीक है, 1949 में जो देश आए थे यहाँ पे, टूरिज्म स्टेट हुई है, यहाँ पे 1949 आना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, 1949 है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में आपको इस कहानी की तरह समझाऊंगी कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ आ जाए और अगर आपने इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं एंड एमसीक्यूज देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स का, शार्ट नोट्स है वहाँ पे, वो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट पेपर, शार्ट नोट्स, साल सब्जेक्ट्स और फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, वो आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 पे आते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या था हमारे पास, इसको जरा मैं कह लूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1947 में क्या था, मकासद की करारदार पहली आइंदे समय से, जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के नक्शे पे उभरेगा। ठीक है, कि पाकिस्तान जो है ना वो मार्स से वजूद में आएगा, ये इसका मेन मकसद था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ओके, इसको जो हमारे मतलब लियाकत अली खान है, इसको उन्होंने जो किया था वो लियाकत अली खान ने किया था। ठीक है, वो कब हुआ था, वो 12 मार्च 1949 को इसकी मंजूरी दी गई थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेट है, 12 मार्च 1947 को इसकी मंजूरी दी गई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, 1947। और ये भी याद रखना है कि लियाकत अली खान ने इसको मुंतकिल करवाया था। ठीक है, आगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में 1947 से 1945 तक था वो क्या था, उसमें क्या हमारे पास चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों को बतानी। पहली दस्तावेज असेंबली थी हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट 1947 के तहत वजूद में आई थी। ठीक है, तो इसमें अब क्या था, आर इंडिया मुस्लिम लीग के इस दावे की तकदीर के लिए, फैसले के लिए जुलाई 1946 में इंतखाबात हुए थे। ठीक है, आर इंडिया मुस्लिम लीग क्या मुसलमानों और जो हिंदुओं के फैसले थे उनके लिए, ठीक है, इसकी मतलब की गए थे, 1946 में इंतखाबात करवाए गए थे। ठीक है, इसमें हिंदुस्तान ने सॉरी मुसलमानों की जो मतलब तादाद थी, जो ये चाहते थे कि हम अलहदगी इख्तियार करें हिंदुओं से, वो जो थी वो 69 थी, लेकिन ये फिर जो है ना वो तजावज़ कर दी गई थी 1947 में 79 हो गई थी। ठीक है, आप देख लें 69 से शुरू हुए थे और 79 तक के, फिर लाखों मुसलमान इसमें ऐड होते गए और आखिरकार हमने अपना मतलब ना मुल्क हासिल कर दिया। आगे फीचर्स इसके क्या, कुछ बुनियादी फीचर्स थे इसके। ठीक है, यूं ही तो नहीं ना हमें लगा था कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ठीक है, तो वो वजह हम डिस्कस करते हैं कि वो वजह क्या थी। बेसिकली फीचर्स जो थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के वो क्या थे, सबसे पहला फीचर था कि हिंदू जो थे वो अलग चीज़ों को मानते थे, वो बुतों की पूजा करते थे, जाहिर सी बात है आप लोगों को मालूम है, फिर वो जिसको इस भी चीज़ को हैरतम के जानते थे उसकी पूजा शुरू कर देते थे। ठीक है, लेकिन मुसलमान जो थे वो एक अल्लाह के अहमियत को मानते थे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला ने बनाई हैं, हम आज भी यकीन रखते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, अल्लाह ताला इसका मालिक है। ठीक है, लेकिन हिंदू ने कितने ज़्यादा खुदा बनाए थे, कोई माता रानी, कोई गीता, कोई कोई, ठीक है, तो वो मतलब जिस मर्जी से इसको ना पकड़े खुदा बना लेते थे। ठीक है, लेकिन हमारा बिलीव था कि अल्लाह ताला एक है। पहला तो मेन रीज़न ये था, डिफरेंस जो आता था हिंदुओं में और मुसलमानों में, जिसकी वजह से करारदार जो करारदार का बेसिक फीचर है मकासद है। ठीक है, और उसके अलावा ये था कि मुसलमान जो थे अपनी मतलब आज़ाद रियासत चाहते थे, अपना एक अलहदा मुल्क चाहते थे। अलहदा मुल्क अब क्यों चाहते थे, जो कि इसका तीसरा फीचर भी है, कि वो इसलिए लैदा होना चाहते थे कि वो अपने मुताबिक, अपने कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, वो इसलिए एक लैदा मुल्क चाहते थे हिंदुओं से। ठीक है, अगर हम इसका मतलब फोर्थ मकासद देखें तो वो ये था कि हमारे पास कि हम मसावात, रवादारी और समाजी इंसाफ से ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, ये भी एक इस्लाम का पहलू है कि हम बराबरी का मतलब बराबरी से ज़िंदगी गुजारें। ये नहीं है कि हिंदू मतलब मुसलमानों पे कभी काबे सोचें, कभी हम अपने मतलब हमारे अपने हुक्मरान हो, ठीक है, जो हमें इस्लाम के मुताबिक ले चलें। ठीक है,
तो आगे था कि इसमें अकलीतों का भी तहफ्फुज़ किया जाए, ठीक है, अकलीतों के जान माल। अब अकलीत को जिन्हें कहते हैं कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था, अकलीत होते हैं जो हिंदू जो ईसाई होते हैं, ठीक है, वो जो हमारे मुल्क में रहते हैं उन्हें अकलीत कहते हैं, कि उनके भी हकूक का तहफ्फुज़ किया जाए, उनको भी नौकरियां चाकरियां दी जाए। ये नहीं है कि वो अकलीत है, ये उनका मुल्क नहीं है, उनके तहफ्फुज़ का कोई मतलब नहीं है इस पर, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आगे हमारे पास वजाहत और अहमियत, एक्सप्लेनेशन एंड इम्पोर्टेंस है इस चीज की, वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को रह गया हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में से वो पूछा करें, ठीक है, लेक्चर को स्किप मत किया करें। हमारे पास करारदाद ने खुदा की खुद मुख्तार को एक मखसूस सियासी फलसफा करार दिया है, ठीक है, इसमें आगे हमारे पास मगरबी जमहूरियत ये तस्वुर देती थी कि लोगों में खुद मुख्तार ही मुंसिर है, लेकिन खुदा की खुद मुख्तारी का तस्वुर रखने के साथ ये करारदाद अहम है। इसने वाजिया किया कि लोग खुदा के तोहफे में दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इनकी इनको खुदा के मुकर्रर करदा हदूद में रह कर काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसके बुनियादी मतलब इम्पोर्टेंस और वजाहत थी। ताकतों का इस्तेमाल एक मुकदस इत्माद है, पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे इस्लामी फ्रेमवर्क की रूह के साथ आलमी नजरिया जमहूरियत इस्लाम आज़ादी मसावात रवादारी और माशरती इंसाफ के तहत अमूर का इंतजाम करेंगे। यही इसके इम्पोर्टेंस थे जो मैंने आपके फीचर डिस्कस किए हैं, ठीक, तो इसी को उन्होंने खोल के जरा एक्सप्लेन कर दिया हुआ। अभी मेरे से गैर मुस्लिमों के जो थे ना एतराजात क्या थे, गैर मुस्लिमों के क्या मतलब इतराज बनते थे, कि क्या चाहते थे, वो थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या इतराज किए थे। गैर मुस्लिमों की तरफ से सबसे बड़ा इतराज ये था कि हुकूमत मजहब और सियासत को मिलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, कि हुकूमत मजहब को भी और सियासत को भी मिलाने की कोशिश कर रही है, कि मुसलमानों ने कहा था कि हमारा मजहब, हम अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते थे, इसलिए ये जो इतराज था सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था वो था, जो जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। गैर मुसलमान, मैं थोड़ा सा उर्दू में इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने पीछे से उर्दू पढ़ी होती है, मोस्टली बच्चों ने, तो इसलिए उनको इंग्लिश में समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं इंग्लिश उर्दू में आप लोगों को कहानी की सूरत में ये होता है कि आपको जल्दी समझ आती है, ठीक, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में करना है तो मेरे नोट्स बने हुए हैं, वहां से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। गैर मुस्लिमों की बादशाही और अकलीतों के हकूक पर इतराज किया कि माशरे में अदम मसावात को फरोग मिलेगा, ठीक है, इनका ये भी ख्याल था कि जदीद वक्त के लिए शरीयत काफी नहीं है, इन्होंने खदशा जाहिर किया था कि इस मजहबी इंतहा हिंदू को मजहबी रियासत के क्याम के लिए काम करने की तरकीब मिलेगी। आगे इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, इसकी अहमियत क्या थी, हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा चेंज कर दूँगा, इसलिए चेंज करेंगे आप लोगों को ना जरा सही से समझ आ जाए, ओके, डन, ठीक है। आगे हम इसकी अहमियत, मुकासिद की करारदाद पाकिस्तान की आइनी तरीक की एक बुनियाद और बुनियादी दस्तावेज थी, ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जो पाकिस्तानी अवाम के बेहतर जिंदगी के लिए हजूर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है, ये जरूरी है कि इसमें आजादी से कबल के दौर के साथ अपने रवाबत बरकरार रखने के लिए इस्लाम की मरकजियत को अपना लिया। AIML के रहनुमा मॉडर्निस्ट मुसलमान थे जो रास्क अल अकीदा मजहबी रियासत के हामी नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इस्लामी कवानी और बैर अक्वामी जमहूरी इकदार की पासदारी करने का दरमियानी रास्ता मुंतखब किया। करारदाद अपनी अहमियत की वजह से तमाम दस्तूर को पेशकश कर रही थी, ठीक है, तो ये करारदाद की इम्पोर्टेंस थी कुछ, इसमें आपको डिस्कस किया गया हुआ है, इसमें बेसिकली यही डिस्कस किया हुआ है कि मुकासिद करारदाद जो थे आइनी तरीक की बुनियाद पर रखी गई, ठीक है, ये आइनी तरीक अब क्या है कि मुसलमान जो थे वो जो हम पीछे फीचर्स इसके डिस्कस की गए एक्सप्लेनेशन वो सारी चीजें इसमें उन्होंने बयान कर दी हैं इम्पोर्टेंस में, ठीक है, एक एक लाइन में वो जो आप लोगों 5 पैराग्राफ में करवाई हुई है वो एक लाइन में दोबारा से डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ भी इतना
मतलब नहीं है। और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सारे मैंने चार नोट्स में दिए हुए हैं, वो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करें, इजीली आप लोग क्लिक करना और डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी उसमें इशू नहीं आएगा। और अगर कोई भी आप लोगों को इशू है इस लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में या तो पूछें या फिर आप लोग ना ग्रुप में पूछें, बॉक्स में किसी ने मैसेज नहीं करना पहले, ठीक है। और ग्रुप ग्रुप की जो टाइमिंग है क्वेश्चन पूछने की, वो 8 PM से आप लोगों के पास है 10 PM तक, ठीक है। तो वो टाइमिंग है,